और एक बड़ी जानकारी सोनीपत से आ गई है। नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है। ये बड़ी जानकारी जहां सोनीपत में नागरिक अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है। अगर जानकारी की बात करें तो सीएमओ पर लेन देन का आरोप है। नियुक्ति में लाखों के लेन देन का ये आरोप सीएमओ के ऊपर लगा है। अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति में ये लेन देन किया गया है। कोविड बजट से लग्जरी कार लेने का भी आरोप है। तो बड़े आरोप यहां पर लगे हैं, कई आरोप लगे हैं, एक नहीं कई आरोप हैं सीएमओ के ऊपर। सोनीपत नागरिक अस्पताल के हम बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार का मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम सिमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या है ये मामला, क्या कुछ जानकारी आ रही है, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहिए। दीपशिका, सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल से बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई लगाई गई थी, आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई थी, जहां 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक जो है तीन गाड़ियां कोविड फंड से ली गई और ये रेंटेड लगा लीजिए, क्योंकि अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोविड महामारी में जिस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही थी, तो इसी लिहाज से प्राइवेट गाड़ी हायर करने की बात कही गई थी। लेकिन सीएमओ पर आरोप ये है कि उन्होंने निजी आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जगह जो अलग गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां यहां लगा दी और उनका प्रयोग एम्बुलेंस के लिए नहीं बल्कि निजी फायदे के साथ साथ खुद के ऐसो आराम के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा आरटीआई में खुलासा हुआ है। और अगर बात करें तो तीनों गाड़ियां जो है वो सीएनजी पर चलती हैं और सीएनजी से वो चल रही थी, लेकिन उनका बिल जो है वो पेट्रोल पर दिखाया गया है और जो निजी व्यक्ति है उसको करीबन 18 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, यानी कि 18 लाख रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। दूसरी तरफ सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो सितंबर 2021 में ये कहा गया था, गाइडलाइन ये आई थी कि कोई भी इसके बाद जो है किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है, ये भी आरोप सीएमओ पर लगा है कि उन्होंने जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी डेट को 8 से 10 लोगों की भर्ती की है, पैसे लेकर भर्ती की है, ऐसा आरोप लगा है। और बाद में ऐसे लोगों को हटा भी दिया जाता है, तो खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि जिन लोगों को हटाया गया बाद में उन्होंने सीएमओ का खुलासा किया है कि सीएमओ को पैसे दिए थे और पैसे देकर उन्होंने नियुक्ति पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को भी यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई है, उसके भी अवहेलना की गई है। जी बिल्कुल राम, जैसे कि अभी आपने जानकारी दी, एक नहीं कई आरोप लगे सीएमओ के ऊपर। बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राम।